जय मसीह की। आज मैं आपको एक चेतावनी देने के लिए आया हूं। हाँ, एक बड़ी चेतावनी, और इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बचना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक, और वो भी ध्यान से देखना, और अपने दोस्त मित्रों, रिश्तेदारों और अपने फैमिली मेंबर को जरूर शेयर करना। बाइबल की एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो अभी पूरी होने के लिए जा रही है, बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो अभी पूरी होने पर ही है। प्रभु यीशु के दूसरी बार आने से पहले एंटीक्राइस्ट मतलब मसीह का विरोधी आने वाला है। ज्यादातर लोग इस बात को नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि पहले प्रभु यीशु आ जाएंगे, उसके बाद मसीह का विरोधी आएगा। लेकिन जब मसीह का विरोधी आएगा तो वो जबरदस्ती से लोगों के पास मूर्ति पूजा करवाएगा, तो जब मसीह के लोग है ही नहीं तो जबरदस्ती किसके साथ करेगा। तो अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले मसीह का विरोधी मतलब एंटीक्राइस्ट आएगा, उसके बाद में ही प्रभु यीशु आने वाले हैं। और एंटीक्राइस्ट का जो राज्य है वो पूरी दुनिया पर होगा, वो अकेला पूरी दुनिया के ऊपर वो राज करता होगा। वो सारे चर्च जला देगा और सारे बाइबल भी जला देगा, और आपके मोबाइल के अंदर जो बाइबल की एप्लीकेशन है ना, वो भी आपके मोबाइल से वो गायब कर देगा। जिस तरह से इन दिनों में हमने देखा हुआ है कि कई एप्लीकेशन को गवर्नमेंट ने उड़ा दिए, उसी तरह से वो एंटीक्राइस्ट मसीह का विरोधी जो है वो अपनी मुहर मतलब कि अपनी छाप जो है वो लोगों को देगा। और जिसके पास वो मुहर या छाप वो नहीं है, वो ना तो कुछ खरीद सकता है ना तो वो कुछ बेच सकता है। और जो लोग मुहर लेंगे वो लोग स्वर्ग नहीं जा सकते। मुहर लोग तो स्वर्ग नहीं जा सकते, और मुहर नहीं लेते तो खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। ये सारी बातें मैंने मसीह का विरोधी एंटीक्राइस्ट 666 बाइबल स्टडी इस नाम से एक वीडियो यूट्यूब पर रखा हुआ है। अगर आप वहां पर जाओ तो आपको यही सारी बातें जो है वो डिटेल में मिल जाएगी। साथ में लगातार आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो वो उसी वीडियो की लिंक जो है वो जा रही है। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये लिंक दी है, आप वहाँ से भी उस वीडियो में जाकर इस बात को डिटेल में आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी और चौंका देने वाली बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मुझे पता है कि जो अविश्वासी लोग हैं वो इस बात को मानने वाले नहीं है, और जो अपने पास्टर की पूजा करता है अपने पास्टर को ही परमेश्वर समझता है, और जो उसके सिवा किसी और की सुनना नहीं चाहता वो भी इस वीडियो को हंसी में उड़ाने वाला है। पर ये बहुत ही गंभीर बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पिछले एक साल से कोरोना वो इस धरती पर वो चल रहा है। सुनने में ऐसा आया है कि ये कोरोना चीन मतलब चाइना उसके गुहान नाम के शहर की एक लैबोरेटरी से ये बाहर आया, और वहां पर कई लोग उस वायरस के कारण वो मर गए।
उसके बाद इटली में, अमेरिका में, भारत में और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और पूरे वर्ल्ड में, सभी देशों के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो उस वायरस के कारण मर गए। लेकिन मेरे कुछ सवाल है इस बातों को लेकर, और उसमें सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जब हमारी बॉर्डर के ऊपर, हमारे देश की बॉर्डर के ऊपर, समझो हम भारत में, तो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर जब पाकिस्तान के सैनिक हमारे एक दो सैनिकों को मार देते हैं, गोलीबारी करते हैं या बमबारी करते हैं, तो इंडिया वाले क्या करते? इंडिया वाले भी उसका मुंह तोड़ जवाब देते, वो लोग भी गोलीबारी करते, वो लोग भी बम डाल देते। पिछले दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक सभी को पता है कि लोगों ने की। अमेरिका में कुछ साल पहले ओसामा बिन लादेन ने दो बिल्डिंगें गिरा दी, तो अमेरिका ने अपनी पूरी सेना उसके पीछे लगा दी। चाहे कुछ वक्त लगा, लेकिन उसको दूसरे देश में ढूंढ कर भी उसको मार दिया, ऐसे उनका न्यूज़ कहता है। इसराइल पैलेस्टाइन, देखो अगर पैलेस्टाइन वाले कुछ इसराइल के ऊपर हमला करते या तो एक दो को मार देते, तो वो भी सामने ऐसा ही करते हैं, मार देते। तो मेरा सवाल ये है कि जब चाइना की वजह से पूरे वर्ल्ड में, सभी देश में इतने लोग मारे गए, उनकी गलती के कारण या तो जानबूझकर, तो आज तक पूरे वर्ल्ड में से किसी भी देश ने उसके खिलाफ क्यों कुछ कार्रवाई नहीं की? क्यों किसी देश ने उसके ऊपर हमला नहीं किया? जब एक दो जवान मार दिए जाते हैं तब इतना कुछ हल्ला मचा देते हैं, तो इतने हजारों सैकड़ों लोग, निर्दोष लोग मारे गए, तो क्यों किसी ने चाइना के खिलाफ आज तक कुछ नहीं किया? ये बात क्या कहना चाहती है? पूरी दुनिया जो है वो इस बात के लिए अभी चुप क्यों है? चाहे किसी एक देश ने या तो पूरी दुनिया ने मिलकर क्यों उसके ऊपर हमला नहीं किया? क्यों आज तक पूरी दुनिया चुप है? एक बहुत ही बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि दुनिया का ज्ञान इतना बढ़ चुका है और साथ में इतने साइंटिस्ट लोग हैं, इतने डॉक्टर लोग हैं, इतनी लेबोरेटरियां चल रही है, हेल्थ को लेकर सभी लोग बहुत ही एडवांस है, तो भी इतने बड़े बड़े देश आज एक साल हो गया फिर भी कोरोना की दवाई क्यों नहीं ढूंढ पाया? क्यों? ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है कि एक साल के बाद, इतने लाखों लोग मारे जाने के बाद भी उसकी दवाई जो है वो क्यों किसी के पास नहीं है? क्यों कोई अभी तक नहीं उसको ढूंढ पाया? क्या आपने ये बात कभी सोची? क्या आपके अंदर ये कोई सवाल कभी हुआ? क्या आपके पास भी इस बात का उत्तर है? ये बात भी कुछ भी नहीं, मैं इससे भी एक बड़ी चौंका देने वाली बात आपको बताने जा रहा हूं, इससे भी बड़ी चौंका देने वाली बात। अब कोरोना वैक्सीन बताया जा रहा है कि आ चुकी है, हमारी देसी भाषा में बोलूं तो टीका, इंजेक्शन वो उसका निकल चुका है। लेकिन पहले इस वीडियो क्लिप को देख लो, बाद में मैं उसके बारे में बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वैक्सीन के नाम पर सर्टिफिकेशन वो अब शुरू हो चुका है, उसकी गाइडलाइंस आ चुकी है सारी, क्या होगा कैसे होगा। मैंने आपको काफी टाइम से बता रहा हूं, अब इन लोगों ने बताया कि QR कोड सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि जो जो व्यक्ति वैक्सीन लगवा देगा उसको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, QR कोड सर्टिफिकेट, जो उसके स्क्रीन पे जो क्वांटम टैटू लगेगा उसके अंदर एक डिजिटल QR कोड लगेगा। ये ऑफिशियल चीज बता रहा हूं मैं आपको। जो पूरे सिस्टम पे तो नाम दिया गया EVIN, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क नाम दिया इसका, और साथ में जो वैक्सीन लगवा देंगे उनका ट्रैकिंग होगा, ऑफिशियल बात है।
सरकार की ओर से घोषणा की गई है, उनके पत्र बता रहा हूँ मैं आपको। ट्रैकिंग होगा, एक एक आदमी की हर चीज ट्रैक होगी, सारी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री तो चलो ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री के अलावा बाकी सारी हिस्ट्री भी आपकी चेक होगी, वो ट्रैक होगी। आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री भी चेक होगी और आपकी अदर एक्टिविटीज जितनी भी हो रही है वो सारी की सारी एक्टिविटीज को ट्रैक किया जाएगा। तो जिस प्रकार से आप बात समझिए, वैक्सीन नहीं है, इम्यूनिटी पासपोर्ट के नाम से एक प्रकार का है, जिसने वो वैक्सीन है उसको पासपोर्ट है। किस चीज का पासपोर्ट है? काम करने का, लीगल, आपने वो सर्टिफिकेट है आपके पास में, तथाकथित वैक्सीन, वैक्सीन नहीं है, तथाकथित वैक्सीन सर्टिफिकेट है, वो अगर आपके पास में है तो ही आप काम कर सकते हैं, तो ही आप नौकरी भी जा सकते हैं। ये डिजिटल आईडी जो बात चल रही थी, ID2020.org, आप चेक कर सकते हैं ID2020.org, जहां लिखा हुआ है कि दुनिया के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल आईडी देना है। ये कोई कोरोना महामारी नहीं है, ये महामारी के नाम पर आपको डिजिटल आईडी देने का तरीका है। वैसे अगर आपको देते तो आप शायद नहीं लेते, तो आपको मजबूर करने के लिए, आप कैसे सर्टिफिकेट ले, कैसे वो आईडी ले, ये सारा गेम रचा गया है, ये सारा षड्यंत्र खेला गया है। इस भाई साहब जो वीडियो क्लिप में आपने देखा, उनका कहने का जो मतलब है वो मैं आपको बताता हूं कि अंत के दिनों में जो मसीह का विरोधी जो है, जो अपनी मुहर और छाप लेकर आने वाला है, वैसा ही ये कुछ है। इन भाई साहब के कहने के अनुसार ये जो वैक्सीन या टीका जो कोरोना को लेकर बनाया गया है, अगर आप उसको नहीं लेते तो आपको कहीं पर जॉब नहीं मिलेगी, आप खरीद नहीं सकते, आप बेच नहीं सकते। वो लोग यही बताएंगे कि आपने कोरोना वैक्सीन नहीं ली तो हम आपको नौकरी क्यों दें। अगर आपकी नौकरी चल रही है तो भी वहां पर आपको लेना पड़ेगा। अगर वो टीका आप नहीं ले रहे, वो वैक्सीन आप नहीं ले रहे, तो आपको निकाल सकते हैं और निकाल ही देंगे, क्योंकि आपसे कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा, इस नाम से वो लोग आपको निकाल देंगे। इसका मतलब अगर आपको खरीदना है, बेचना है, कारोबार करना है, जॉब करनी है, तो आपको ये वैक्सीन या टीका लेना ही पड़ेगा। और जब आप वो टीका या वैक्सीन लेते हो तो आपको QR कोड दिया जाता है, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होगी। आप कभी भी, आपके पास जो स्मार्टफोन है उसमें जो स्कैनर आता है, वो स्कैनर से कभी भी कोई भी QR कोड को स्कैन करो, वो QR कोड किस चीज का है उसकी सारी डिटेल अपने आप वहां पर ऊपर आ जाएगी। ये QR कोड से जो वैक्सीन लेने के बाद मिलेगा, उससे आपकी सारी डिटेल उनके पास रहेगी, वो आपको कभी भी जब चाहे ट्रैक कर सकते हैं, मतलब कि आप अभी कहां पर घूम रहे हो वो अपने घर में बैठे बैठे देख सकते हैं, सिर्फ आपका QR कोड से। आप कौन सी कार्रवाई कर रहे हो वो भी वो लोग अपने घर में बैठे बैठे वो देख सकते हैं। आप कहीं भी अपने आप को छुपा नहीं सकते, चाहे आप जंगल में चले जाओ या चाहे किसी गुफा में घुस जाओ, आप कभी भी कहीं पर भी आप छुपे नहीं रह सकते। जब मसीह का विरोधी उठने वाला है, वो भी एक ही जगह पर बैठे बैठे एक एक इंसान के बारे में वो पता लगा सकता है, और उसी की समझ लो ये तैयारियां हो रही है, ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा है। ये बात हमारे बाइबल के अनुसार उसी दिशा में जा रही है, हम अंत के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं। अगर एंटी क्राइस्ट आकर ये सब निकालने के लिए जाएगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए उसके लिए ये पहले से ही जो तैयारियां जो है वो तैयारियां हो रही है। एंटी क्राइस्ट बैठे बैठे पता लगा सकता है कौन मसीह में है, कौन मसीह में नहीं है, कौन संगति करता है, कौन संगति में नहीं है, वो जब चाहे आपके पास वो पहुंच सकता है। क्या इस बात से पता नहीं चलता कि हम अंत तक पहुंच ही चुके हैं? बाइबल में जो अंत लिखा है, समझ लो हम वहां पर आ ही गए। ये एक और वीडियो क्लिप है, उसे देख लो, बाद में मैं आपसे बताता हूं। फिनिशिंग होगा,
समाज के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर दो तरह के लोग हो जाएंगे जिनके पास डिजिटल सर्टिफिकेट, वैक्सीन सर्टिफिकेट है, और जिनके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है। जो होगा उनको विशेष सुविधा होगी, तो नहीं होगा उसको भी आदमी को मजबूरी में वो सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि हेल्थ आईडी की, वो कुछ नहीं है, वो यही है, वो इसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है। हमारे देश के विशेष विशिष्ट लोग इस षड्यंत्र में शामिल है, इस बात को आप नोट करें। यह बात जो मैं पहले से कह रहा हूं, आप काफी लोगों को विश्वास हो गया है, और जिनको नहीं हो रहा है उनको भी हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जाग चुका हूं, मैं बच जाऊंगा, तो जागने वाला तो बचेगा, परंतु जो जगाएगा, अपने आस पड़ोस के लोगों को जगाएगा, जागृत करेगा, वो बच सकता है। क्योंकि यदि आपके घर में, अभी अभी बात आई कि न्यूजीलैंड में 500 मिलिट्री फोर्सेस लगा दी गई है। किसके लिए लगाई है? जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता है उनको क्वारंटाइन कैंप नाम दिया गया है, क्वारंटाइन कैंप, उनको कैंप में डाला जा रहा है। यानी कि आप वैक्सीन लगवाने से मना करेंगे तो आपको पकड़ करके कैंप में ले जाएंगे, आप डाल देंगे। तो उसके लिए आपको अपने आस पड़ोस को, लोगों को जगाना बहुत जरूरी है। जब उनको आप जगा लेंगे तब जाकर के एक सामूहिक ताकत बनेगी, तब बचेंगे। आप अकेले जागेंगे तो शायद इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी आप लोगों के सामने नेशनल हेल्थ मिशन का ये आपके पास मैं लेटर आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा प्रिंट आउट अच्छा नहीं आया इसका, लेकिन मेरे पास है, किसी को चाहिए मैं भिजवा दूंगा। नेशनल हेल्थ मिशन जो है 20 नवंबर 2020 का एक सर्कुलर है हरियाणा सरकार का, और इस सर्कुलर क्या कहता है, सर्कुलर नंबर आपको बता देता हूँ, नंबर है 8020/3881-3902 20 अक्टूबर 2020। नेशनल हेल्थ मिशन रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स डेटाबेस फॉर COVID-19 वैक्सीनेशन। COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटाबेस तैयार करना है। बात आगे समझना, जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको भी हम ये बात समझा रहे हैं 8 महीने 9 महीने। मैं डॉक्टर हूं, मैं फिर समझा रहा हूं उन लोगों को, समझिए, जागिए। सबसे पहले आपका नुकसान होने वाला है, आपको ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स के माध्यम से सबसे पहले आपको ही पकड़ेंगे। सबसे पहले आपकी ओर से विरोध होना चाहिए, हम तो कर रहे हैं, और आप भी इसका विरोध कीजिए। साथियों, इस फर्जी कोरोना महामारी के खिलाफ पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ, फ्रांस में हुआ, यूके में हुआ, अमेरिका में हो रहा है, और अनावश्यक मास्किंग, अनावश्यक लॉकडाउन, अनावश्यक कॉलर ट्यून और अनावश्यक वैक्सीन के खिलाफ एक जनमत तैयार कर सके और सरकार को हमारी बातों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सके। इस कृत में जो आपने देखा, इसका मतलब है आप सामने ही आ जाओगे, आप अपने आप को कहीं पर भी छुपा नहीं सकते। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना। अब हमें एकता में किसी भी तरह से आना पड़ेगा। मेरी मंडली, मेरा पास्टर, ये सब छोड़ दो, अभी अभी एकता में किसी भी तरह से आना पड़ेगा। अगर आप किसी मंडली या किसी पास्टर से नफरत करते हो तो ये बात समझ लेना, आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी स्वर्ग में नहीं लेकर जाने वाले। लेकिन जिस तरह से हमारे यहोवा परमेश्वर, हमारे यीशु परमेश्वर, हमारे पवित्र आत्मा परमेश्वर एक है, वैसे ही हमें किसी भी रीति से एक होना पड़ेगा। जिस तरह से प्रभु ने भी बाइबल में कहा है, यूहन्ना और उसका 17 अध्याय और उसका 21वां पद, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। प्रभु की बरसों से इच्छा थी कि जिस तरह से वो पिता पवित्र आत्मा एक है, एक दूसरे के अंदर है, उसी तरह से हम सारे विश्वासी एक दूसरे के अंदर रहकर हम वैसे ही एकता में रहे। अगर हम एक होंगे तो ही हम एक दूसरे की सहायता कर पाएंगे। हमें किसी का विरोध नहीं करना है, हमें लड़ाई नहीं करनी है, ये हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं सिखाया। लेकिन हम कम से कम लोगों को जगा तो सकते हैं, हम लोगों को बचा तो सकते हैं,
हम लोगों को उत्तेजन तो दे सकते हैं कि देखो अंत आ चुका है, लेकिन हमें एकता में रहना है, हमें एक दूसरे के साथ रहना है, क्योंकि बाइबल में तो ये भी लिखा है और हम बाइबल में ही पढ़ते हैं सबोपदेश में, सबोपदेश उसका चौथा अध्याय और हम पढ़ते हैं 9 से लेकर 12 वचन, और वहां पर ऐसा लिखा है 1 से 2 अच्छे है क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला हो होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। अगर मसीह के विरोधी लोग आपके पास आ जाए, आप अकेले हो और वो आपको भरमाते हैं कि मोहर ले लो, और आप उसके भरमाने में आकर कर मोहर ले लेते हो, तो आप तो नाश में जाओगे। लेकिन अगर आपके साथ और भी कोई विश्वासी हो, एकता में अगर आप बने रहो, आपके साथ और भी विश्वासी हैं, तो आपको बता सकते हैं नहीं भाई, नहीं लेनी, हम मरने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि प्रभु उसने पहले से हमको कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो हर रोज अपना क्रूस उठाए, हमें हमारे मौत हाथ में रहकर बढ़ना है हम आगे। तो अगर आप अकेले होंगे तो फिर आपका मरने का चांसेस, नरक में जाने का चांसेस 100% है, लेकिन अगर हम एकता में रहेंगे तो इस तरह से कोई भी आएगा तो हम उसको बचा सकते हैं, उसको उठा सकते हैं। फिर आगे लिखा है, फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे, जो डोरी 3 तागे से बंधी हो वह जल्दी नहीं टूटती। अगर हम एकता में एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो हम मर जाएंगे लेकिन हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। ये हमारे परमेश्वर जो है वो आज हमको सिखा रहे, हम बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ चुके, हम अंत समय में अभी आ चुके, जागने की और जगाने की बहुत ही जरूरत है, हमें बहुत ही जरूरत है, और अभी तक आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया तो विश्वास करो, पश्चाताप करो, बपतिस्मा ले लो, ताकि आपको पापों की क्षमा मिले और आप पवित्र आत्मा से भर जाओ, और उस पवित्र आत्मा की सहायता से आज्ञाकारी और एकता में बने रहो, ताकि आप स्वर्ग जो है वो जा सको। और अगर आपने पवित्र आत्मा पा लिया है तो मेरे प्रिय उसको संभाल कर रखो, ताकि अंत के दिनों में आप बचाए जाओ, वरना शैतान अब पूरे जोरों से काम कर रहा है, उसका वक्त आ चुका है, और इसलिए जागो और जगाओ, ये अंत का वक्त है, बच जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।